गुड इवनिंग गाइस एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत मजा कर रहे होंगे, बहुत मस्ती और बहुत ज्यादा मेरे वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिला होगा और आपने अभी तक ऑनलाइन पैसा कमाने का कुछ ना कुछ तरीका तो निकाल ही लिया होगा। और ये वीडियो है जो आज मैं बना रहा हूँ, वो एक सीरीज जो 3 पार्ट में वीडियो में बना रहा हूँ, उसका 3रा पार्ट है कि हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉगिंग इंडिया, जो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आज इस 3रे पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे पैसा कमा सकते हैं, पैसा आप अपने ब्लॉग के थ्रू कमा सकते हैं। साथ ही साथ मैं इंडिया के कुछ फेमस ब्लॉगर्स के बारे में बताऊंगा। तो ये कहते हैं मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज इस वीडियो को जरूर पूरे एंड तक देखें, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो पे। और अगर अभी तक आप लोग में से जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे पे जो लाल बटन है उसको क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे मेरे चैनल से। और ये कहते हुए चलिए चल रहे हैं मेरे वीडियो पे, जहाँ पे मैं आप लोग सबको मोनेटाइज कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मोनेटाइज जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ब्लॉग पे, क्योंकि इसी से आपको पैसा मिलता है। तो मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा आपको पैसा मिलेगा वो तरीका है कि आप जो ब्लॉग पे पोस्ट लिखते हो वो, या आप ऐसा पोस्ट लिखे जिस पोस्ट में आप लास्ट पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट्स के बारे में लिखिए और उस लास्ट पे उस प्रोडक्ट पे या तो आप लिंक दे दीजिए या फिर कोई नंबर दे दीजिए जिसको वो कॉन्टेक्ट करके वो प्रोडक्ट ऑर्डर करे। या तो एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट हो, मान लीजिए कि आपका ब्लॉग बहुत फेमस हो गया है, तो आप उसमें स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि कोई कंपनी या कोई जो प्रोडक्ट बेचता है वो आपको बोलेगा कि भाई आप मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखिए कि उनके प्रोडक्ट का सेल कर जाए, अच्छा कुछ लिखिए कि उनके प्रोडक्ट का सेल कर जाए, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट होता है, ठीक है। तो आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिख सकते हैं, या फिर आप खुद कोई पोस्ट को मतलब कुछ प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहते हैं उसके बारे में अच्छा आर्टिकल लिख के लास्ट पर उसका लिंक दे दीजिए। या तो फिर और एक तरीका है कि आप टाइप में कोई बैनर दे दीजिए अपने ब्लॉग पे, उस ब्लॉग बैनर पे क्लिक करके वो बंदा आपका जो साइट है जहाँ पे वो प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा उसके पेज में चल जाएगा और वहाँ से वो खरीद सकता है। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इससे बहुत ज़्यादा पैसा होता, बहुत इंडिया का फेमस ब्लॉगर्स स्पॉन्सर्ड पोस्ट या फिर डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट को सेल करते हैं अपने पोस्ट में, अच्छा उसके बारे में प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लिख के। और इसके अलावा जो गूगल का अपना एडसेंस का सर्विस है, जो आपके पास अगर वेबसाइट होता है या ब्लॉग होता है तो आप वहाँ पे एडसेंस सर्विस को कनेक्ट कर सकते हैं। उस एडसेंस सर्विस से एडसेंस आपके ब्लॉग में कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया पे एड्स शो करेगा और उस एड से आपको पैसा मिलता है। तो एडसेंस भी बहुत ही जेन्युइन तरीका है, पर इसमें आपको जितना ज़्यादा विजिटर्स होगा ब्लॉग पे उतना ज़्यादा आपका पैसा मिलेगा। इसमें कॉस्ट पर क्लिक बहुत हाई होता है यूट्यूबर से। तो अगर आप कोई कंफ्यूजन में यूट्यूब खोलना चाहिए कि एक साइट बनाना चाहिए और एक ब्लॉग बनाना चाहिए, तो मेरा प्रेफरेंस यही होगा कि एक वेबसाइट खोलिए या फिर एक ब्लॉग खोलिए, क्योंकि इस पे आपका कॉस्ट पर क्लिक मतलब कोई भी यूजर आपका एड्स आपके जो साइट पे आता है उस पर क्लिक करता है तो उसका कॉस्ट पर क्लिक बहुत ज़्यादा रहता है, पर क्लिक अराउंड आपका 50 सेंट्स, $1, $2 में चल जाता है, जो कि कंपेरेटिवली यूट्यूब में काफ़ी कम रहता है। तो मेरा प्रेफरेंस ये रहा है कि आप ब्लॉग खोलिए और वहाँ पर मोनेटाइज करिए। हाँ, ये बात सही है कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, पर अगर आप अच्छे तरीके से SEO पे काम करेंगे तो आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा फेमस हो सकता है। तो एडसेंस के थ्रू भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। उसके अलावा तो मैंने आपको जैसे कहा कि आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट कर सकते हैं या फिर कोई पोस्ट के थ्रू आप कोई प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकते हैं।
ये कहते हुए मैं आप सबको अपने सिस्टम में जरूर ले जाऊंगा, जहां पर मैं आपको कुछ इंडिया के फेमस व्लॉगर्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इनकम क्या कितना इनकम वो कमा लेते हैं और क्या क्या चीज पे उन ब्लॉग बनाए हैं वो लोग, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लूंगा। तो चलिए चलते हैं। और मैं अपने सिस्टम में आ गया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टॉप जो ब्लॉगर्स हैं इंडिया के उसके बारे में। तो सबसे फेमस जो इंडिया में ब्लॉगर है वो ये है, उसका ब्लॉग ये है और वो है अमित अग्रवाल। यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, अमित अग्रवाल, इसका साइट ये है और टोटल अर्निंग्स अराउंड 60,000 का है। तो आप समझ सकते हैं कि पर मंथ 60,000 अगर ये कमा रहा है तो बंदा कितना ज़्यादा कमा रहा है। तो ये तो खैर हो गया है टॉप जो सबसे इंडिया के बेस्ट ब्लॉगर है उनका अर्निंग्स। तो एवरेज अर्निंग भी अगर मंथली $2,000 भी होता है तो वो पर मंथ 2 लाख के ऊपर हो जाता है। तो ये जो उनका साइट है, यहाँ पे वो लगभग टेक्निकल और टेक्निकल रिलेटेड ही ज़्यादातर वो पोस्ट करते हैं और इनका साइट बहुत ज़्यादा फेमस है। इनको गूगल एडसेंस के थ्रू देखिए यहाँ पे ऐड दिया हुआ है और इनसे ही उनको पैसा मिलता है और साथ ही वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट वगैरह भी करते हैं, ठीक है, और अपना कुछ प्रोडक्ट्स भी चाहे तो बेच सकते हैं। और दूसरा नंबर पे हो गया ये साउथ में लाउड, ये हर्ष अग्रवाल का साइट है, मेरा मतलब ब्लॉग है। और इनका इनकम अभी लास्ट सबसे जो इनकम है उनका 34,390 का है। तो एवरेज मंथली इनकम इनका इंक्रीज करते जाता है हमेशा। तो अभी सबसे ज़्यादा उनको लास्ट जो दिसंबर का उन्होंने अपने साइट में अपडेट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उनका अपना इनकम रिपोर्ट्स शेयर कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उनका हर एक मंथ का इनकम रिपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए यह दिसंबर महीने तक का लास्ट का अपडेट है। तो देखिए मतलब नीचे से बढ़ते जा रहा है, हर मंथ बढ़ते जा रहा है। तो जितना ज़्यादा साइट में व्यूज़ हो रहा है उतना इनका इनकम बढ़ते जा रहा है। तो ये अगर आप देखा जाए तो जो आप ब्लॉग करते हो तो वो एक एज ए यूट्यूबर से ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें कॉस्ट पर क्लिक ज़्यादा होता है। इसमें एडवर्टाइज में अगर आपका कोई आपके साइट में गूगल एडसेंस का एडवर्टाइज है तो, पर इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, ये बात तो है। पर अगर आप एक साइट बनाते हैं तो एडसेंस के अलावा भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ या बहुत सारा तरीका आपको मिल जाता है पैसा कमाने का। एडसेंस तो खैर बहुत ज़्यादा देते ही है कंपेरेटिव टू यूट्यूब, प्लस और अलग से जो बेनिफिट्स आपको मिलता है जैसे कि स्पॉन्सर्ड पोस्ट करने का, है ना, और दूसरे एडवर्टाइजर्स को यूज़ करने का या फिर लोकल कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करने का, तो इससे भी काफ़ी इनकम हो जाता है एक्स्ट्रा इनकम। और बाकी जो टॉप इंडिया के ब्लॉगर्स हैं वो ये है, देख लीजिए, श्रद्धा शर्मा है जिनका साइट है योर स्टोरीज और एवरेज मंथली इनकम 30,000 है। फिर आशीष सिन्हा है, अरुण प्रधवा देसी है, जसपाल सिंह है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप है उनके मंथली इनकम कितना है। और इंडिया में बहुत सारा एवरेज ब्लॉगर्स भी है जिसके अच्छा खासा लगभग $1,500 से $2,000 भी पर मंथ कमा लेते हैं। तो ब्लॉगिंग एक अच्छा ऑप्शन है, मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर इंस्पिरेशन मिला होगा ये देख के इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स को। और ये कहते हुए मैं आज के लिए समाप्त करता हूँ। और ये जो ब्लॉग सीरीज़ ब्लॉगिंग के ऊपर जो मैंने सीरीज़ बनाया 3 वीडियो का, वो मैं आज समाप्त करता हूँ। होप आपको ये ब्लॉगिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट्स है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मेल करिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, मैं हमेशा आपको रिप्लाई करूँगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। और आपको क्या
चीज में ब्लॉग बनाना है वो जरूर नीचे कमेंट करिए, है ना। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जान पाऊंगा कि आप लोग भी ब्लॉग चालू कर रहे हैं। तो आप जो चीज पे ब्लॉग बनाना चाहते हो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और ये कहते हुए बाय बाय फ्रेंड्स।